कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की जबानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। कैसे हो तुम और कैसा है तुम्हारा वो दो कौड़ी का आशिक? और ये क्या, अपने पति देव को देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इससे पहले कि मैं चौकीदार को बुलवा तुम्हें धक्के मार के यहां से निकलवा दूं, खुद ही यहां से चले जाओ। बेवकूफ समझ कर रखा है संजना कि मैं सबकी मौजूदगी में तुमसे मिलने आऊंगा और वो तुम्हारा वॉचमैन 44 नंबर के मिस्टर मेहरा के घर क्या है? मिस्टर मेहरा के घर की बिजली नहीं है ना, पता नहीं किसी ने उनके घर का मेन फ्यूज निकाल लिया। जब तक वो वॉचमैन उस मेन फ्यूज को ढूंढेगा, तब तक मैंने सोचा क्यों ना तुमसे कुछ बातें कर लूं। छोड़ो मेरा रास्ता। जाने की इतनी जल्दी भी क्या है संजना, अभी तो बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ। और ये क्या, अपने पतिदेव को ठीक देखकर तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई? अपने उस दो कौड़ी के आशिक के बारे में नहीं बताना मत बताओ, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो मुझे बताओ। कैसा है मेरा बच्चा, मेरा चिंकू या फिर चिंकी? वो जो कोई भी हो, तुम्हारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं, समझे तुम? मेरी और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। ओ आई सी, इसका मतलब मेरा बच्चा जिंदा है। तुमने अभी तक एबॉर्शन नहीं करवाया, ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया संजना, बहुत समझदारी का काम। और उस दिन मेरे घर में तुम मुझे क्या क्या बोलकर गई थी कि मेरे बच्चे को गिरवा दोगी, उसे जान से मार दोगी, फिर क्या हुआ, माँ की ममता जाग गई या फिर तुम्हारे उस आशिक ने तुम्हें यह करने से रोक लिया? खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। और हाँ एक बात और, अपने बच्चे के साथ साथ मैं तुम्हें यह भी बताने आया हूं कि तुम्हारे उस थप्पड़ को मैं अभी तक भूला नहीं हूं। तुम्हारे उस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा संजना, और इस बच्चे को तो मैं पाकर ही रहूंगा। ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, इसे लेने मैं जरूर आऊंगा। और अपने इस बच्चे के बाप को भूलने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे तुम। मेरा इंतजार करना संजना, मैं आऊंगा अपने बच्चे को लेने, समझे तुम? बाय बेबी, सी यू। ये बच्चा मेरा है विशाल, सिर्फ मेरा। मेरे इस बच्चे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। तुम किसी भी हालत में मेरा बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते, समझे तुम? मेरा बच्चा तो मुझसे नहीं छीन सकते।
कुणाल के लिए गेस्ट रूम खुलवा दो, अभी हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। जीजू, कुणाल यहाँ? हाँ गौरी, अब कुणाल हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। राधा, कुणाल के लिए गेस्ट रूम खुलवा दो। दी, मैं जाती हूँ। अब तुम आराम करो और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लेना। तुम्हारा साथ वाला रूम मेरा ही है। क्यों कर रही हो ये सब? तुम मेरी हो कौन? मुझे नहीं पता था कि जो इंसान मेरे दिल के सबसे करीब है एक दिन वो ही मुझे पहचानने से इनकार कर देगा और उसी को मुझे बताना होगा कि मैं कौन हूं। तारा रवि और अजय से सबसे छोटी है, इसलिए हमारे परिवार में सबकी लाडली है। हमने हमेशा उसकी हर जिद पूरी की, उसे हर खुशी देने की कोशिश की। बस यही एक खुशी है जो हम उसे नहीं दे पा रहे। कौन सी खुशी? वो खुशी तुम हो कुणाल। तारा तुमसे बेहद प्यार करती है। मैंने तारा के पापा से वादा किया था कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। आप बहुत अच्छी हैं। आपके परिवार का हर सदस्य बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम भी तो अब हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। इंसान इस हद तक भी जा सकता है। तुम्हें तुम्हारी नफरत पर भरोसा है ना? तो मुझे अपने पति के विश्वास पर मेरे परिवार के खिलाफ तुम्हारी कोई भी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। चैलेंज? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अगर तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने का खेल खेलना चाहते हो तो हाँ, इट्स अ चैलेंज। आई एम सॉरी। जिस तरह मैं तुम्हारा यकीन खो चुका हूं उसी तरह तुम भी मेरा विश्वास खो चुकी हो। तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर मेरी मौत का ख्वाब देखा है, यही सच है। ये सच नहीं है करण। मैंने कभी भी भगवान से किसी की मौत की दुआ नहीं मांगी। करण, तुम तो शहर में मेरी बर्बादी का ख्वाब लेकर आए हो ना, तो फिर अपनी दुश्मनी तारा से क्यों निकाल रहे हो? तुम तारा को झूठे सपने क्यों दिखा रहे हो? मैंने सपने देखना छोड़ दिया है। मेरे पास किसी के लिए कोई सपना नहीं बचा। मैं तो बस अपने साथ हुए धोखे का हिसाब लेने आया हूं। एक बात याद रखना, जब तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, मैं तुम्हारे घर से जाने वाला नहीं हूं। इस घर में मैं आया था अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने, लेकिन जा रहा हूं इस घर के लोगों की गलतफहमियां दूर करने के लिए। मैंने राधा को कितना गलत समझा था, सच जानने के बाद मुझे समझ में आया है कि गलत राधा नहीं, गलत तो मैं था जो उसका कोई गुनाह न होने के बावजूद भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की सजा देने चला था। लेकिन आज हालात के साथ साथ मेरे इरादे भी बदल गए। अपनी भूल को ही मैंने राधा और अजय के रिश्ते को मजबूत करने का जरिया बना लिया है। यहां रहकर मुझे एक परिवार मिला।
एक ऐसा परिवार जिसकी कमी हमेशा से महसूस होती थी मुझे, लेकिन अब मुझे दोबारा अपनी उसी जिंदगी में लौटना है जहां मेरा साथ देने के लिए सिर्फ मेरा अकेलापन हो। कुणाल, कुणाल आइए बच्चे। कुणाल, अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना, हम सब तुम्हारे अपने हैं। मैं नहीं जानती तो यहां से क्यों जाना चाहता है, जिस मकसद को तो अंजाम देना चाहता था, क्या वो मकसद अब पूरा हो चुका है? नहीं बच्चे, नहीं। जब तक मैं इस घर से, राधा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं हो जाता, तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहा है कुणाल? आखिर इससे हो क्या गया है? अपने पतिदेव को ठीक देखकर तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई? क्यों अपने उस दो कौड़ी के आशिक के बारे में नहीं बताना? मत बताओ, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो मुझे बताओ। इसका मतलब मेरा बच्चा जिंदा है कि तुमने बहुत समझदारी का काम किया संजना, बहुत समझदारी का काम। अरे उस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा संजना। मेरी अमानत है तुम्हारे पास, मेरी अमानत है तुम्हारे पास। घर छोड़कर जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। सोचा जाने से पहले एक बार आपसे मिलना। ये भी कोई नया नाटक है ना तुम्हारा? इस घर को छोड़ने के पीछे कौन सा मकसद है?
हर काम के पीछे मकसद का होना जरूरी नहीं होता राधा। इंसान कुछ काम अपनों या अपनी खुशी के लिए भी करता है। वाह, कमाल है, ये तुम कह रहे हो जिसके हर कदम के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। इस घर में आने की भी कोई वजह ही थी ना तुम्हारी, और कुछ हद तक वो वजह कामयाब भी हो गई। जिस प्यार से मैंने अपने रिश्ते को बांधा था, फिर उस पवित्र रिश्ते को तुमने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे और अजय के बीच के रिश्ते को कभी नहीं तोड़ पाओगे। तो बस दुख सिर्फ एक बात का है कि तारक को तुमने अपने झूठे प्यार के रिश्ते में बांधा, और तारा समझ जाएगी कि जिसे वो प्यार समझती रही वो प्यार नहीं, सिर्फ एक फरेब था। हाँ, कुछ दिनों के लिए उसे तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ से तो कमी होगी जो तुम उसे जिंदगी भर के लिए देने वाले थे। एक बात तुम फिर से समझ लो, मैं तुम्हें तारा की जिंदगी बर्बाद कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। नहीं राधा भाभी, आप एक बार फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। राधा भाभी, प्यार इस लफ्ज के मायने मैंने तारा से मिलने के बाद समझे। चाहे आपको मेरी बात पर यकीन हो या ना, चाहे कोई और मेरी ये बात माने या ना माने, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि मैं तारा से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं। तारा को तकलीफ देना तो बहुत दूर की बात है, सारी जिंदगी मैं यही कोशिश करता रहूंगा कि तारा की आंखों में दर्द का एक आंसू भी नहीं चलके। अपने हिस्से की सारी खुशियां अगर मैं तारा के हिस्से में लिख दूं तो भी शायद कम ही होगा। राधा भाभी, तारा ने मुझे जिंदगी दी है, और अब मैं तारा को इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। चलता हूं।